Welcome to Saifi Philosophy Channel. Today my topic is a way of talking. देखिए, as I told you earlier, animals को हम में सबसे बड़ा फर्क बोलचाल का है. Animals के पास words नहीं होते जो हमारे पास होते हैं. हम हमारे words attract कर सकते हैं, दूसरों को impress कर सकते हैं, दूसरों को और सबसे बड़ी बात हम अच्छी तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं. तो अब way of talking का मतलब है बात करने का तरीका. देखिए, एक बात को ना कई तरीके से कहा जा सकता है. अगर कोई बहुत ज्यादा बात कर रहा है, एक तरीका तो ये चुप हो जाओ, बी साइलेंट. एक तरीके ये भी तो हो सकता है ना, यार तुम जो चुप होते हो ना बहुत अच्छे लगते हो, तो ये ज्यादा इंप्रेसिव है. और हम किसी को भी अगर सही तरीके से बात कहें तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा. प्रॉब्लम क्या होती है, एक किसी आप फिलोसफर ने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हारा ऑर्डर माने तो आप ये सीखिए ऑर्डर दिया कैसे जाता है. भाई हम अक्सर हमारी शिकायत होती है मेरी बात नहीं मानता, तो क्या हम जानते हैं कि हुक्म दिया कैसे जाता है. हम अपने आप में खामी नहीं तलाश करते. अगर पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मान रहे तो मैं ये नहीं कहता कि हर बात पेरेंट्स ही गलत है, लेकिन शायद हो सकता है कि पेरेंट्स का ना आता हो ऑर्डर देना, कमांड करना. पेरेंट्स सही तरीके से बताएं. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हम क्या है, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होते हैं. यानी कि हमारे पास सही वे ऑफ टॉकिंग नहीं है. हमारा जो लहजा है वो इतना ज्यादा हार्श है, इतना कड़वा है कि सामने वाला बंदे का जो मूड है ना वो एकदम खराब हो जाता है. अगर वो सामने वाला बंदा बात भी मानना चाह रहा होगा ना, नहीं मानेगा. कभी कभी सामने वाला बंदा उसे मालूम है कि वो गलत है, लेकिन क्योंकि हम उससे बहुत ही बेकार लफ्जों में बात कर रहे होते हैं और कड़वे लहजे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अपनी बात को कहता है कि नहीं सही है. जैसे कभी कभी टीचर कहते हैं कि तुम स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम गलत हो, तो स्टूडेंट को जब दिखता है ना टीचर उससे बहुत ही बेकार और गंदी तरीके से बात कर रहा है, तो स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैम मैं सही हूँ, क्योंकि अब बात आ गई गलत वर्ड्स की. तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यूज हम्बल वर्ड्स. पता है हम्बल नेचर बहुत ही अच्छा होता है. एक तो होता है वर्ड्स भी अच्छे यूज करो. अगर किसी ने आपकी हेल्प की है थैंक यू, अगर आपसे गलती हो गई है माफ करें मुझे या सॉरी, अगर कहीं आप निकल के जा रहे हैं एक्सक्यूज मी. ये बहुत ही शॉर्ट वर्ड है लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है. अगर आप कभी बोल के देखे थैंक यू तो सामने वाले को अच्छा लगता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हर गलत बात थैंक यू से दब जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सामने वाले को पसंद है. आप इस जरूरी नहीं इंग्लिश में बोले आप शुक्रिया, आप कोई मेहरबानी आपकी कुछ भी कह सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं. ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज. आप हिंदी बोले कोई भी लैंग्वेज में कहें आप, लेकिन एक्चुअल में चीज़ क्या है, एक्चुअल में चीज़ है कि आप वर्ड सही यूज करें और हम्बल नेचर. प्लीज बी हम्बल, नेवर यूज हार्श वर्ड, नेवर बी रूड. क्योंकि रूड का मतलब क्या होता है कि सामने वाले से आप बहुत ही सख्ती के साथ बात कर रहे हैं और आज की जनरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. पहले तो आप उन्हें पीठ भी लेते थे गुरु अपने शिष्यों को, तो तब भी वो बुरा नहीं मानते थे, लेकिन आज आप बुरे वर्ड भी यूज कर देंगे ना तो स्टूडेंट उसका बहुत बड़ा हब्बा बना देता है और एट द एंड ऑफ द डे आप गलत साबित हो जाते हैं. सो आज मैं आपको बस यही बता रहा था कि प्लीज़ और आगे आप यू आर मैच्योर कि प्लीज़ आप इस पर भी ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट. एजुकेशन कितनी भी हो जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे ये सारे एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी. ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी. अगले लेक्चर में मिलेंगे.